दोस्तों मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। मैं जनरली व्हाट्सएप वगैरह तो देखती नहीं हूँ, लेकिन हाँ कल मुझे एक ऐसी मैसेज रिसीव हुई जिसको मैं सोच में पड़ गई कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए मैं किसी तरह का र्यूमर आपको नहीं फैला रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से भी ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपके फ़ोन में भी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कभी पर भी ये जो एक श्लोक है वो आपको रिसीव हुआ है कि नहीं। आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि मेरे हाथ में एक फ़ोन है, उसमें मैं जो चीज़ें देख रही हूँ वो आपको बताऊँगी कि ये सारी वर्डिंग्स पढ़ के मेरे दिमाग में क्या चीज़ आई थी। मैंने सोचा कि इसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये चीज़ जब मेरे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके मन में भी आते होंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मैसेज है ये सही है या फेक न्यूज़ है, क्या है मुझे नहीं पता। तो अगर आपकी जितनी भी जानकारी है, आप जो जितना भी सोच पा रहे हैं कि ये सही है नहीं है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर करिए कि आपको भी ये चीज़ रिसीव हुआ है कि नहीं। और देखिए मेरा दिमाग कहाँ से ठनका, ये जो मैंने ये पूरा ये जो चीज़ पढ़ा उसके साथ एक ऑडियो क्लिप भी थी, तो उसमें जो जो लिखा हुआ है वो भी एक सच लिखा हुआ है। जैसे कि कोरोना विषाणु, यानी कि विषाणु एक वायरस होता है, तो विषाणु यानी वायरस और कोरोना, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। दूसरा है मृत्योरूपी, यानी कि मृत्यु के समान, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो हाहाकार मच रही है पूरे चाइना, इटली और अब इंडिया में भी बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं, तो एक तरह की मृत्योरूपी ये पेंडेमिक है, महामारी है। अब देखिए मांसाहारात उत्पन्न, यानी कि मांसाहार से ये उत्पन्न हुआ है। तो क्या रियली में मांसाहार से ये, ऑब्वियस ही बात है कि हुआ है, मांसाहार से ही उत्पन्न हुआ है। तो ये सारी जो वर्डिंग्स अगर मैं मैच कर रही हूँ, एक और वर्ड है चीन देश जनी लब्धवा, यानी कि चीन देश से उत्पन्न हुआ है। तो अब बताइए कि ये सारी वर्डिंग्स पढ़ के कोई कॉमन इंसान मेरी तरह ये क्यों नहीं सोच में पड़ जाएगा। ऑब्वियस ही बात है कि सोच में पड़ना मतलब लाजमी है मेरा। मैं क्या करूँ, मैं किसी तरह का र्यूमर नहीं फैला रही हूँ, लेकिन प्लीज़ 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 आप मुझे ज़रूर कमेंट ये करिए कि ये सारी चीज़ें हैं वो झूठ मूठ की बनाई गई है या फिर कुछ सच में है। अभी मेरे दिमाग में एक और चीज़ क्या आ रही थी कि अभी जितनी भी ज़्यादा जो साइंस आगे तरक्की कर रहा है, जैसे कि अगर प्लास्टिक सर्जरी की बात की जाए, 0 1 और जो भी इन्वेंशंस अगर देखा जाए, इन्फिनिटी की इन्वेंशंस या जो सर्जरी होती है उसका इन्वेंशंस, सब कुछ हमारे इंडिया में सबसे पहले हुआ था। अब ये चीज़ मेरे दिमाग में है कि ये सारी चीज़ें बहुत साल पहले हमारे इंडियंस, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने पहले ही इन सारी चीज़ों का इन्वेंशन कर लिया है। तो मे बी एक चांसेस ये भी बनता है कि ये जो भविष्यवाणी जो शिव पुराण में लिखी गई है, इसका भी कहीं ना कहीं दूर तक कोई कनेक्शन होगा। सच में उन्होंने ये प्रेडिक्शन पहले ही कर लिया होगा। तो प्लीज़ 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 आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए। आई एम वेरी ईगर टू नो कि क्या होने वाला है, सच में ये जो भविष्यवाणी है वो सच होने वाली है या फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी है मुझे नहीं पता, आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। और एक और चीज़, कोरोना वायरस से ज़रूर बच के रहिए, अपने घर पे रहिए, सेफ़ रहिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाह रहे हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और आप मेरे चैनल को भी अगर सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जनरली प्रेगनेंसी और हेल्थ इश्यूज़ जैसे टॉपिक्स बनाती हूँ, बट ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप मेरी ईगरनेस तो अभी आप सुन ही रहे हैं कि मैं कितनी ज़्यादा ईगर हूँ। तो प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर कमेंट करिए और कीप सपोर्टिंग द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।